नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बता दें कि गांव के झरने वाले मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप इस बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि यह मंदिर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। दिखाई दे रहा यह वही झरना है जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि यह झरना फरीदाबाद की अरावली की गोद में बसे गांव मोहब्बताबाद में स्थित एक प्राचीन मंदिर में गिर रहा है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ऑलैंड की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, कहाँ से आए हैं, क्या आनंद लेने आए हैं? हाँ, यहाँ हम यही साथ में फरीदाबाद में रहते हैं और यहाँ जो है ये प्राचीन आदिकाल की जो है उद्यालक मुनि जी की तपोभूमि है। वेद व्यास जी इससे बिल्कुल साथ में जो है प्रसन्न मंदिर है और समकालीन ऋषि जो है हुए हैं वेद व्यास जी, और वो उनकी तपोभूमि है। यहाँ से और वहाँ तक सुरंग होती थी, सुरंग से ही जो सुबह पूरा जंगल था तो सुरंग से ही जो है आपस में संत जो है आवागमन करते थे। ये 88,000 साल जो ना यहाँ तपस्या की है उद्यालक मुनि ने, और बहुत प्राचीन रमणीक जगह है। लोग झरनों को देखने ऋषिकेश जाते हैं, मंसूर जाते हैं? ये तो आदिकाल का प्राचीन झरना है, वो ये तपोभूमि है। ये तो फरीदाबाद का झरना ही लुप्त कैसे रह गया? बस लुप्त क्या चीज़ें जो ना भौतिकवाद के बस ज़्यादा हलचल में जो ना ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। इनको बताने वाले दिखाने वाले आप लोग इसको प्रचार प्रसार की कमी में लुप्त हो गई हैं, नहीं तो क्या माने कि फरीदाबाद का जो इतना पुराना झरना है वो अभी तक लोगों की निगाह में हाँ, नहीं है? हाँ नहीं, निगाह में तो है, जो आसपास के गांव में यहाँ पूरा मेला भरता है, काफ़ी यहाँ 12 गांव बढ़ाने में जो है ना पूरा हर मेले पे जो है ना बहुत भीड़ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीचंद है। लक्ष्मीचंद जी, हम मोहब्बताबाद का जो झरना है यहाँ पर पहुँचे हैं, झरने वाले मंदिर पर, क्या इसकी विशेषता है? और झरने की बात करें तो आपसे पहले जो सैलानी आ रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि इतने मात्रा में पानी कभी नहीं आया। नहीं ये नहीं, ये तो आदिकाल से इससे ज़्यादा पानी पहले बहता था महाराज। ये तो झरना ही है, ऋषिन की जगह है, तपोस्थल है, ये कोई पर्यटक सब थोड़ी है। ये तो कंटिन्यू झरना तो झरता ही है। ऐसा गर्मी में थोड़ा जैसा बारिश कम हो रही है, 10 साल में बारिश अब फालतू हुई है, बारिश नहीं हो रही तो झरना कम था, नीचे बह रहा था। बाकी कुंड तो हम कोरोना के चक्कर में ये पानी वानी आते प्रशासन ने ना खत्म करवा दिया था कि लोग इकट्ठे ना हों। चलिए, और क्या क्या विशेषताएं हैं इस झरने वाले मंदिर में? मंदिर में गुफा है, धोने पे आधारशिला है, कई हजार किलोमीटर का पत्थर आधार है, हवा में लटका हुआ है गुफा, हाँ, गुफा के अंदर अपनी आंखों से देख सकते हो। गुफा है जिसमें पत्थर, जिसमें बाबा भजन करते थे, धोना है बाबा जी का। हमारे हम समय में थे बाबा घमशान दास महाराज, जिनको हम झरना वाला बाबा मानते आ रहे हैं, उनसे पहले थे ऋषि उद्यालक मुनि से पहले थे दूधाधारी बाबा। तो दूधाधारी बाबा इसमें तप कर रहे थे पहाड़ में, जैसे हम तो ही कुछ हुआ गिराव हुआ तो हाथ लगा दिया, वो वहाँ का वही पत्थर रुका हुआ है आज भी अपने आंखों से अदर। तो अब यहाँ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग यहाँ शहर से देखने के लिए पता लगती रहती है, वो देखते हैं प्रकृति की जगह ऐसी बनी हुई हमारे यहाँ, किसके नसीब में कहाँ ऋषियों की जगह में, जो भागशाली कोई आता है, प्रचार हम इसका करते ही नहीं। बहुत से लोग इसी तरह के झरने का आनंद लेने के लिए दूर से आते हैं। नहीं, कुछ लोग दूर दराज जाते हैं, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार पहाड़ों में जाते हैं। अब फरीदाबाद में या दिल्ली एनसीआर में कैसा झरना बह गया, तो उसके लिए क्या कहना है? मैं तो कहूँ भैया, किसी को पता ही नहीं है तो बह रहे हैं, हम तो गए ही ना कहीं, जब वैसे घूमने को बेचक कहीं चले थे। एक आप पहाड़ की बात बता रहे थे कि हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ, उसकी उनकी रूप प्राकृतिक बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, 10-12 फुट की है, बगैर पत्थर लेकर के ऐसी पोजीशन में, चलते पोजीशन में है। मैं आपको अपनी आंखों से, आपकी आंखों से दिखाऊंगा मूर्ति अभी। महाराज जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनका झरना है, झरना वाला जिसको हम कहते हैं, उनकी तस्वीर पत्थर में बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, प्राकृतिक छवि है। हनुमान जी की भी गुरु जी शेष नाग भी ढूंढे हैं, ढूंढे में पत्थर है, अगर अदर शिला के ऊपर शेष नाग पत्थर है, लेकिन आप देखो तो शेष नाग खड़े
तो जब ऋषि की तपोशक्ति है तो जरूर यहाँ पर ये हमारे इष्ट देव विराजमान है। बिल्कुल ऋषि के पास यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, वो यहाँ पर है, हम तो मानते हैं। जाओ अंकल, चले जाओ। क्या नाम है? मैं राजीव शर्मा। राजीव जी कहाँ पर हैं, आए हैं और किस लिए आए हैं जरा? मैं ये मोहताबाद झरने में आया हूँ मौसम देखने, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि मंसूरी और ऋषि के जैसा आनंद है? हाँ हाँ, यहाँ पर दृश्य बिल्कुल हिल स्टेशन का आनंद है, व्यू बहुत अच्छा है। ये एक तपोभूमि है, यहाँ पर उद्दालक मुनि ने 80,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो क्या मानते हैं कि ये क्या नाम है, आनंद भूमि होनी रहनी चाहिए, तपोवन भूमि रहनी चाहिए? नहीं नहीं, ये तपोभूमि ही माने आप इसे, और तप में ही आनंद है ना, आनंद भूमि तपोभूमि दोनों ही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।